मशहूर गायिका अलका याग्निक का आज जन्मदिन है। अलका याग्निक के नाम सैकड़ों मेलोडियस गाने दर्ज हैं। उनके करियर में दिग्गज संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा रोल है। इस जोड़ी ने अलका को सिखाया भी है, लेकिन क्या है वो वाक्या जब कल्याण जी आनंद जी ने अलका याग्निक का नाम रख दिया अंगना याग्निक। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आज इस वीडियो में हम आपको इसी दिलचस्प किस्से के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलका याग्निक की पैदाइश कोलकाता की है। उनके पिता नेवी में थे और कोलकाता में ही पोस्टेड थे। बाकायदा गुरु घर आते थे और अलका की माँ कुतानपुरे के साथ संगीत सिखाते थे। जाहिर है अलका में संगीत के बीज यहीं से पड़े, उन्होंने भी सीखना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें एक पेंच था। पेंच भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा। अलका को संगीत इसलिए सीखना था क्योंकि वो उन्हें अच्छा लगता था। उनकी ख्वाहिशों में ये शुमार नहीं था कि उन्हें प्लेबैक सिंगर बनना है। अब जब शौक या सीखना है तो कई बार रियाज में वैसा अनुशासन नहीं दिखता था जैसा होना चाहिए। माँ इस बात पर बिगड़ जाती थी, बल्कि कुछ मौके तो ऐसे भी थे जब रियाज ना करने के लिए अलका याग्निक की पिटाई भी हुई। अलका की माँ को इस बात का पूरा भरोसा हो चला था कि उनकी बेटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। अलका की मुसीबत इसलिए और ज्यादा भी थी कि पिताजी संगीत के शौकीन थे। छोटा भाई भी अच्छा गा लेता था, गाने के साथ साथ तबला बजाना सीखता था। यानी संगीत को अच्छे अनुशासन के बिना सीखने का विकल्प अलका के पास बचा ही नहीं था। यहाँ तक भी सब ठीक था, लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब अलका के माता पिता ने तय किया कि वो स्कूल की छुट्टियों में बॉम्बे जाएंगे और अलका के लिए संगीतकारों से मिलेंगे। ये आसान काम नहीं था, ये अलग किस्म का स्ट्रगल था। स्ट्रगल खाने पीने या रहने का नहीं बल्कि संगीतकारों से में लेने का। उस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले कामयाबी के शिखर पर थीं। नए गायकों को मौका देने का रिस्क कोई लेना नहीं चाहता था। शुरुआती दिनों में अलका के पिता ने मुंबई में ही एक घर ले लिया। अलका की नाराजगी और बढ़ गई कि बाकी बच्चे छुट्टियों में घूमने जाते हैं और उनके मम्मी पापा उन्हें हर बार बॉम्बे लेकर आ जाते हैं। खैर, बड़ी मशक्कत के बाद अलका याग्निक की मुलाकात उस दौर के बड़े संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से हुई। दोनों ने अलका को सुना। उनकी राय थी कि अभी अलका की आवाज में मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन अलका गाती अच्छा थी तो उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए। छुट्टियों में अलका जब बॉम्बे जाती थी तो कल्याण जी आनंद जी उन्हें सिखाते थे। इसके अलावा वो अलका को स्टूडियो में बुलाकर रिकॉर्डिंग देखने के लिए भी कहा करते थे, जिससे उन्हें वो फील आ सके। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन जब अलका कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में थी तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा वॉइस टेस्ट लेंगे। अलका पूरे जोश के साथ माइक पर गई, हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल्याण जी ने अलका को एक लाइन गाने के लिए दी और कहा कि वो इस लाइन को पूरी करे और मैच्योरिटी से गाए। आसानी के लिए उन्होंने अलका को ये भी ब्रीफ दिया कि उन्हें ऐसे गाना कि वो किसी भी बड़े उम्र की अभिनेत्री पर फिल्माया जा रहा हो। उन्हें दो टेक का मौका दिया गया था। अलका ने वो लाइन गा दी। उस दौर में गाने की रिकॉर्डिंग लाइव हुआ करती थी। अलका अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती थी उन्होंने गा दिया। उसके बाद वो बाहर निकले। मन में एक डर सा था कि अभी डांट पड़ेगी, लेकिन अलका के पास आकर कल्याण जी बोले, शाबाश, तुमने आज प्लेबैक सिंगिंग कर ली, तुमने आज राखी के लिए गाना गा दिया। क्या आप जानते हैं कि वो गाना कौन सा था? वो गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 80 के दशक की सुपरहिट फिल्म लावारिस में ये गाना राखी पर फिल्माया गया था। राखी का इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस था। हालांकि ये गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में जबरदस्त हिट हुआ। आज भी फिल्म लावारिस की एक बड़ी पहचान यही गाना है। लेकिन इस गाने के लिए अलका याग्निक को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। अब लौटते हैं अलका की रिकॉर्डिंग के पहले हुए सीन पर। हुआ यूं था कि अलका याग्निक अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से कहा था कि अमिताभ बच्चन जी से उन्हें मिलवा दे। उस रोज अमिताभ बच्चन इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो आए थे। कल्याण जी आनंद जी ने फौरन अलका को भी बुला लिया। अलका ने पहले इस गाने को अमित जी को गाते और रिकॉर्ड करते हुए देखा। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने अमिताभ बच्चन से अलका को मिलवा दिया। अलका सिर्फ उन्हें देखती रह गई। अलका बिल्कुल चुप थी। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उन्हें वही गाना गाने को कहा जाएगा जो अभी अभी अमिताभ बच्चन ने गाया था। अगले कुछ ही मिनटों में ऐसा ही हुआ। कल्याण जी आनंद जी ने अलका को वही लाइन गाने को दे दी थी। सच ये है कि कल्याण जी आनंद जी के कहने के बाद भी अलका को लग रहा था कि उनके साथ मजाक किया गया है। ये गाना फिल्म में नहीं होगा। फिर फिल्म के प्रीमियर का दिन आया। अलका को भी न्योता मिला। वहां प्रीमियर में प्रकाश झा से लेकर हर कोई मौजूद था। थोड़ी देर में स्क्रीन पर राखी आई और साथ आया अलका याग्निक की आवाज में वो गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अलका की खुशी सातवें आसमान पर थी। आज अलका याग्निक 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी हैं, 2 नेशनल अवार्ड उनके खाते में हैं। लेकिन कल्याण जी आनंद जी के सामने रेडियो पर जब कभी भी वो गाना बजता था तो उन्हें प्यार से अलका याग्निक की जगह अंगना याग्निक ही बुलाते थे। बहरहाल, अलका याग्निक की इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।